मिनट्स न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चलती ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म के गैप से गिरा यात्री, आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची जान। पुणे में डॉक्टर पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। चंद्रपुर में 15 नए संक्रमित, एक की मौत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई में चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने के दौरान यात्रियों के गिरने के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसी ही एक घटना बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुई। यहाँ एक यात्री तेज रफ्तार ट्रेन से उतरने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर गिर गया। वहाँ एक तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आया भी, लेकिन ट्रेन से टकरा कर दूर हो गया। तभी वहाँ मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बचाई। बोरीवली आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 29 जून की रात 11:30 बजे की है। यह यात्री स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। ट्रेन जैसे ही बोरीवली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची, तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। यात्री को लगा कि वह चलती ट्रेन से नीचे उतर सकता है। इसके बाद उसने दरवाजे पर खड़े होकर पहला पैर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रखा, बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन से टकराते हुए प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने लगा। उसे गैप में गिरता देख वहां तैनात आरपीएफ कांस्टेबल विनीत कुमार ने दौड़ लगाई और उसका हाथ पकड़कर सही समय पर खींच लिया। यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आधी रात को सतर्कता से ड्यूटी देने वाले कांस्टेबल विनीत कुमार की मुस्तैदी की अब सब तारीफ कर रहे हैं। बोरीवली आरपीएफ ने भी उन्हें सम्मानित करने की बात कही है। वहीं दूसरी खबर, आज नेशनल डॉक्टर डे है। डॉक्टर्स डे के सम्मान के इस दिन पर पुणे से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ एक डॉक्टर और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। शुरुआत में पुलिस इसे घरेलू कलह के बाद की गई आत्महत्या मान रही है। हालांकि अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया गया है। पुणे में रहने वाले डॉक्टर निखिल और डॉक्टर अंकिता शेडकर का शव गुरुवार सुबह उनके घर से बरामद किया गया। इनकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी। वहीं तीसरी खबर, चंद्रपुर जिले में विगत 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, 24 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। एक्टिव संक्रमितों की संख्या 219 है। जिले में मृतकों की संख्या 1528 है। इस काल अवधि के दौरान जिले की 15 तहसीलों में से 10 तहसीलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।